ओम शांति 5 अक्टूबर 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने यही है बेहद का सन्यास प्रश्न उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो ओम शांति रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना। तो रोज रोज समझाना पड़ता है पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो कहते हैं ना? शांति देवा अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर याद नहीं करेंगे तो भी जाएंगे जरूर याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए शांति और सुख मिलता है एक बाप से क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है वह चीज ही मुख्य है शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंद भी है अभी तुम जीवन बंद से जीवन मुक्त हो रहे हो सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है गति कहा जाता है शांति धाम को सदगति कहा जाता है सुख धाम को सुख धाम शांति धाम फिर यह है दुख धाम तुम यहाँ बैठे हो बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है बाप आकर याद दिलाते हैं समझाते हैं हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे याद से तुम्हारे पाप भसम हो जाएंगे आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है एक भी पवित्र मनुष्य नहीं पवित्र दुनिया को सतयुग अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है राम राज्य और रावण राज्य रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है यह बना बनाया खेल है ना? यह बेहद का बाप समझाते हैं उनको ही सत्य कहा जाता है सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो फिर तुम सतयुग में जाते हो द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है रावण अर्थार्थ असुर ठहरा असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया झूठी काया आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। चार धातुएं हैं ना। सोना चांदी तांबा लोहा सब खाद निकल जाती है बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो फिर पहले पहले आते हो सतयुग में तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजड तुम सच्चा सोना हो योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज यहां कहा जाता है शांति धाम में तो शांति है आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजेड कहा जाता है फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है सतो प्रधान पांच तत्वों से शरीर बनता है आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है तो गोल्डन एज सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है तो अब बच्चों को क्या करना है पहले पहले शांति धाम जाना है इसीलिए बाप को याद करना है तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजड जीव आत्मा है ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजड आत्मा नहीं गोल्डन एजेड जीव आत्मा फिर सिल्वर एज जीव आत्मा होती है तो यहाँ तुम बैठे हो तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है तो क्या करना चाहिए दुख धाम का सन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है यह कांटों का जंगल है यह है कांटों की दुनिया वह है फूलों की दुनिया वह भल संन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं उन्हों का है निवृत्ति मार्ग तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग तुम पवित्र जोड़ी थे अभी अपवित्र बने हो उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं सन्यासी तो आते ही बाद में हैं। इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं तो यह झाड़ भी याद करना है चक्र भी याद करना है बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं क्योंकि खुद बीज रूप है सत है चैतन्य है इसीलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं तुम आत्मा हो परन्तु तुमको ज्ञान सागर सुख का सागर शांति का सागर नहीं कहा जाता यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है सदैव वह पवित्र है और निराकार है सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है बाप समझाते हैं हर पांच हजार वर्ष बाद मैं आता हूँ आधा कल्प है सुख आधा कल्प है दुख आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है इसमें पहला नंबर मूल है देहे अभिमान उसके बाद ही फिर और और विकार आते हैं अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो देही अभिमानी बनो आत्मा की भी पहचान चाहिए मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकती है अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूरत उस अकाल मूरत आत्मा का तख्त यह शरीर है आत्मा बैठती भी भ्रकुटी में है अकाल मूरत का यह तख्त है सब चैतन्य अकाल तख्त है वह अकाल तख्त नहीं जो अमृत सर में लकड़ी का बना दिया है बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है सतयुग हो या कलयुग हो आत्मा का तख्त है ही यह मनुष्य शरीर तो कितने अकाल तख्त हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं, अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं वह तो छोटा बड़ा नहीं होता यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त यह भ्रकुटी है आत्मा अकाल है कब विनाश नहीं होती आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजेड तो मिलता है फिर गोल्डन एजेड तो चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े इसीलिए बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी फिर तुमको ऐसा देवी तख्त मिलेगा अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं इसीलिए इनको दुख धाम कहा जाता है अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है सुख धाम को याद करो इनको भूलते जाओ इनसे वैराग्य ऐसे भी नहीं सन्यासियों में सल घर बार छोड़ना है बाप समझाते हैं, वह एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है तुम्हारा तो अच्छा ही है उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए तो उसमें भी मदद करते हैं भारत ही अविनाशी खंड है बाप का भी आना यहाँ होता है तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना सर्व की सदगति बाप भी आकर करते हैं इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच उच्ट देश है मूल बात बाप समझाते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो गीता में भी मन मनाभव अक्षर है परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं बाप मन मना भव का अर्थ बतलाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो आत्मा अविनाशी है वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ड्रामा बना हुआ है पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, उनका बहुत थोड़ा पार्ट है बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो आना सके पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे तो मनुष्यों का भी ऐसे है पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी जैसे जानवर मिसल ठहरी तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य कलयुग में कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो आठ घंटा याद में रहने का अभ्यास करो याद करते करते आखरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े सजाई खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है हिसाब किताब चुकतु तो सबको करना है जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है वह फिर सेंसिबल भी है भारतवासी तो हंड्रेड परसेंट सेंसिबल थे सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही हंड्रेड परसेंट सुख पाते हैं फिर हंड्रेड परसेंट दुख भी यही पाते हैं वह तो आते ही पीछे हैं। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है क्रिश्चियन ने राज्य छीना फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है इस समय क्रिश्चियन का जोर है उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है यहाँ से बहुत धन बहुत हीरे जवाहर आदि वहाँ ले गए हैं। बहुत धनवान बने हैं तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है अगर पहचानते तो आकर राय लेते तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनेंगे फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता हम सो क्षत्रिय हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है यह बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है परंतु माया भुला देती है फिर देवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना? अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम आठ घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा दूसरा इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है वरदान कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो अभी योद्धे नहीं बनो सर्व शक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती सिर्फ निश्चय की फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे अब निरंतर योगी बनो युद्ध करने वाले योद्धे नहीं स्लोगन डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो ओम शांति